And here in Budapest, right now we are at the highest point of Budapest. We are at the Gyöngyösi Bath. The Magyar Museum of Hungarian agriculture. This is the Hero Square, or the very festive atmosphere here. House of Terror, or Terror Haza. Funicular. Hello, from the Bank of Tenure. This is Budapest at night. We are on the Váci Street of Budapest. We are at the St. Stephen's Cathedral over here. बुडापेस्ट इन टू डेज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुडापेस्ट को दो दिन में कैसे घूमना है, क्या देखना है और क्या करना है। इस YouTube वीडियो को हमने उसी टाइमलाइन में रखा है जिस सीक्वेंस में हमने ट्रेवल किया था। इससे डेफिनेटली आपको अपने प्लानिंग में मदद मिलेगी। हमारी एमिरेट्स एयरवेज फ्लाइट EK111 ने ठीक अपने शेड्यूल टाइम दोपहर के 12:45 पर बुडापेस्ट के लीशफैंग्स यानी कि फ्री हेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। लास्ट बार जब मैंने चेक किया था तो इसका नया शेड्यूल अराइवल 2:25 का है। हमने लैंडिंग के बाद इमिग्रेशन करने और कुछ रिफ्रेशमेंट पैक कराकर एयरपोर्ट के एग्जिट तक पहुंचने में 1.5 लगाया। यहाँ पर हमने एयरपोर्ट शटल बस 100E लिया जिससे हमें केल्विन टेस्ट चौराहा जाना था। बस का किराया प्रति व्यक्ति 900 हंगेरियन फॉरेंट यानी करीब 230 रुपए था। पेमेंट बस स्टॉप पर ही टिकट वेंडिंग मशीन से अपने क्रेडिट कार्ड से किया। एयरपोर्ट शटल बस 100E का किराया बुडापेस्ट के डे पास या वीकली पास में इंक्लूड नहीं होता है। करीब 40 मिनट में हम केल्विन टेस्ट चौराहे पे थे। बुडापेस्ट दो शहरों से मिलकर बना है, बुडा और पेस्ट। डैन्यूब रिवर के वेस्ट में बुडा शहर है जो थोड़ा पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा है और इसमें राजाओं के कई सुंदर और आलिशान महल हैं। डैन्यूब के ईस्ट में है पेस्ट जो घनी आबादी वाला अत्यंत ऑर्गेनाइज्ड शहर है। पुराना पेस्ट एक कंसेंट्रिक सेमी सर्कल यानी कि आधे कटे हुए प्याज की तरह बसा हुआ है। इसका डैन्यूब रिवर डायमीटर बनाती है और सेंटर में सेंट सेबेस्टियन बेसिलिका है। केल्विन टेस्ट चौराहा डैन्यूब रिवर के बगल में इसके आउटर सर्कल के दक्षिणी हिस्से में है। केल्विन टेस्ट इम्पोर्टेंट जंक्शन है। ट्रैम, ट्रेन, बस, मेट्रो से इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है। इसी वजह से हमने इसके इर्द गिर्द का इलाका अपने स्टे के लिए चुना था। हमने अपना स्टे एयरबीएनबी से एक फ्लैट के रूप में बुक कराया था। खाना और स्टे घूमने का अहम हिस्सा होता है और अगर आपको बिना किसी ओनर के एंटायर फ्लैट सेपरेट किचन और बाथरूम के साथ जिसमें लिविंग रूम भी हो और एक प्यारा सा बेडरूम हो अगर आपको रहने को मिल जाए तो इसके कंफर्ट का क्या कहना। इस स्टे ने हमारे बुडापेस्ट के कंफर्ट को बहुत बढ़ा दिया। थोड़ा रेस्ट करने और एयरपोर्ट से पैक कराए खाना खाने के बाद हमने घूमना शुरू किया। आज हमारी आइटनरी में सेंट्रल मार्केट घूमना, डैन्यूब रिवर पे थोड़ा वक्त गुजारना, किलर्ट पहाड़ी जिस पर सिटाडल बसा है उसे ऊपर चढ़ के बुडापेस्ट का नजारा और सनसेट देखना था, ये सब हमने पैदल किया। हमारा पहला स्टॉप था ग्रेट मार्केट या सेंटर मार्केट हॉल। ये बुडापेस्ट का सबसे पुराना इंडोर मार्केट है। इसे बुडापेस्ट के मेयर ने 1897 में बनवाया था। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर बसे इस मार्केट की बाहरी आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ग्राउंड फ्लोर पर मूलतः मीट, पेस्ट्री, कैंडीज, स्पाइसेस और वाइन के शॉप्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ईटिंग आउटलेट्स और सोविनियर शॉप है। आप यहां ऑथेंटिक हंगेरियन खाने का मजा ले सकते हैं। अगर आपको बीफ से एतराज नहीं तो आप हंगरी से ओरिजिनेट हुए गुलाश को ट्राई कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी होने के कारण मैं नहीं कर पाया। यह मार्केट टूरिस्ट को केंद्रित करता है इसलिए थोड़ा अधिक खर्चा करने के लिए तैयार रहें। अगला स्टॉप था हमारा लिबर्टी ब्रिज जो पेस्ट को बुडा के साथ जोड़ता है। And here
river. See, this is the main river of the Central European countries. There is a famous Gellert bath. Right now we are on the bridge. You can see trams crossing. Such beautiful architecture. That is the Gellert side is the Buda part of Budapest, and we are coming from the Pest side of Budapest. डैन्यूब और लिबर्टी ब्रिज के ऊपर थोड़ी मस्ती करने के बाद अब हम जाएंगे चिटाडेला, जो कि गिलर्ट पहाड़ी के ऊपर बना है। हमने चढ़ाई का रास्ता लिबर्टी ब्रिज के साइड का लिया है और हम एलिजाबेथ साइड से उतरेंगे। चिटाडेला जाने का रास्ता गिलर्ट होटल के सामने से शुरू होता है, जिसका थर्मल बाथ काफी फेमस है। चिटाडेला की ओर चढ़ना कहीं से आसान नहीं है और सही मायने में आपकी फिटनेस को टेस्ट करता है, पर बीच बीच में आपको ऐसे नजारे यानी कि व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ से डैन्यूब, पेस्ट और बुडा का नजारा अद्वितीय है। वैसे तो पूरी चढ़ाई में कई व्यू पॉइंट्स आते हैं, पर ये दो व्यू पॉइंट्स कुछ खास लगे हमें। सितंबर का महीना हैवी टूरिस्ट सीजन नहीं, और ये तो वेडनेसडे की शाम थी, पर हमारे साथ एक हुजूम ऊपर की ओर जा रहा था। ढेर सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, फैमिली, बच्चों को भी लेके अपनी गोद में ऊपर की ओर जा रहे थे। जरूर ऊपर से कुछ खास दिखता होगा हमें। Hi, right now we are at Citadel. This is undoubtedly the highest point of Budapest. As you can see, that is the best part of Budapest, and this is the Buda part. Those hills are the Buda hills. That reddish dome is the Parliament House, and there is a chain bridge. And this is of course the Danube River. Citadel या हंगेरियन में चिटाडेला का इस्तेमाल सोवियत ने नाजी सेना को हराने के लिए किया था। 1947 में ये लिबर्टी स्टैच्यू सोवियत और हंगेरियंस ने मिलकर वर्ल्ड वॉर टू के मेमोरियल में बनाया था। कई बार उसे कम्युनिस्टिज्म के साथ भी जोड़ा जाता है और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। अभी यह यूथ के गैदरिंग की एक जगह है, चलिए ऐसी एक गैदरिंग का मजा लेते हैं। रात के वक्त बल्ब की मध्यम रोशनी में एलिजाबेथ ब्रिज की तरफ उतरना कम मजेदार नहीं था। We are on the Vatsi Street of Budapest, right beside our apartment. This is a weekday, but as you can see, people are having fun all over.
They are dining in pretty restaurants. The souvenir shops are open till late night. And music is playing in the background. No one can ever imagine it's a Wednesday night. Day 2 in Budapest. आज की हमारी आइटनरी है शेशिनी थर्मल बाथ, हीरो स्क्वायर, टेरर हाउस, बुडापेस्ट ओपेरा, सेंट स्टीफेंस बेसिलिका, चेन ब्रिज, शू एट डेन्यूब, हंगेरियन पार्लियामेंट, फिशरमैन बेस्टियन, मैथियास चर्च एंड बुडा कैसल। हमने 24 आवर्स का ऑल ट्रांसपोर्ट डे पास लिया है जो हमें 1600 हंगेरियन फॉरिंट यानी कि 400 हिंदुस्तानी रुपए के रूप में पड़ा है। दिन की शुरुआत हम शेशिनी थर्मल बाथ से करेंगे जिसके लिए हमने डायरेक्ट फ्रैंकफर्ट से शेशिनी फुर्दू के लिए मेट्रो लिया है। वी आर एट द जिनचेनई बाथ्स, लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट बाथ्स ऑफ नॉट ओनली बुडापेस्ट बट एंटायर हंगरी। द रिच इन्फ्लुएंस ऑफ टर्किश कल्चर हैज मेड टेकिंग मेडिसिनल बाथ्स such a big ritual in the Hungarian culture. There is a hot water pool, it's a medicinal pool. You can see wandering surgeon taking a bath here and I am usual filming it. Now we are on to the second thermal pool that is on the opposite side of the first one which I showed you before. And there he goes. Okay, so the people here in the circle, they are not swimming, but they are just twirling with the flow of the jacuzzi. Here we are. This is the inside pool area of the Zenchenni Baths. शेशिनी थर्मल बाथ का स्रोत नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। यहाँ 18 पूल और 10 सोना या स्टीम चैम्बर्स हैं। यहाँ मसाज थेरेपी और फेस ट्रीटमेंट भी होता है। लॉकर के साथ सुबह के पूल का टिकट 6000 हंगेरियन फॉरिंट यानी करीब 1500 रुपए प्रति व्यक्ति है। हाउस ऑफ टेरर जाने के लिए हमने हीरो स्क्वायर से वोरोस मार्ती उत्का मेट्रो स्टेशन की मेट्रो ली। हाउस ऑफ टेरर हंगेरियन जनता पर हुए जुर्मों की एक झांकी है। उसका ऑडियो टूर नाजियों और कम्युनिस्टों की क्रूरता और हंगेरियन जनता की दृढ़ निश्चयता की कहानी बताता है। 2002 में बने इस हाउस ऑफ टेरर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी मना है। टेरर हाउस से 2 मेट्रो स्टेशन दूर था ओपेरा। अब सेंट्रल यूरोप में आके ओपेरा जाना तो बनता ही है। ओपेरा से कुछ ही कदमों के फासलों पे है सेंट स्टीफेंस बेसिलिका। सेंट स्टीफेंस बेसिलिका बुडापेस्ट का सबसे बड़ा और निसंदेह ही सबसे खूबसूरत चर्च है। हेलो, वी आर एट सेंट स्टीफेंस कैथेड्रल ओवर हियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सिटी ऑफ बुडापेस्ट एंड एज यू कैन सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्वायर। There are fancy restaurants everywhere. We had pizza there, looking at the cathedral while gorging on our delicious pizzas. You can find every kind of eatery, souvenir shop, shopping, all in the backdrop of this beautiful cathedral. Favorite part of the city of Budapest. There is the historical chain bridge. The sharp structure over there is the fisherman's bastion. And if you look on the left, it's the Buda Castle. As soon as you cross the chain bridge, you reach the Buda part of Budapest. And
the place where we are here is the best part of Budapest. The Danube is flowing and all the luxury 5-star hotels are here. लग्जरी होटल के साथ साथ इस जगह की विशेषता थी डैन्यूब के किनारे डॉक किए हुए क्रूज शिप्स, जहां आप लंच और डिनर का मजा ले सकते हैं। हमारा अगला स्टॉप था शूज एट द डैन्यूब और हंगेरियन पार्लियामेंट, जो कि बुडापेस्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। Right now, we are at this spot, this memorial, where these shoes have been kept as a sign of respect to the people who gave up their lives in Warsaw Poland. This is a very important part because there you can see the bridges, there is the Parliament House, the building with the reddish dome. समय के अभाव में हंगेरियन पार्लियामेंट के अद्भुत आर्किटेक्चर को अंदर से हम देख न सके। पहाड़ी के ऊपर बने हुए मथियास चर्च और फिशरमैन बेस्टियन के लिए हमने चेन ब्रिज से बस लिया। वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बुडा पार्ट ऑफ द बुडापेस्ट। दिस इज द प्लेस वेयर द फिशरमैन बेस्टियन इज। हियर दिस इज द मथियास चर्च। एज यू कैन सी दिस गोथिक आर्किटेक्चर एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दिस साइट वाज डिक्लेयर्ड एज one of UNESCO's World Heritage Site and it's one of the last remnants of the erstwhile Buddha Kingdom. अगला और आखिरी स्टॉप है बुडा कैसल, जिसके ऊपर जाने के कई ऑप्शन हैं। Right now, this is a funicular that helps people skip the stairs and climb to the top of the castle. Since it's located on top of the Buddha hill, it's quite a climb. And that is what funicular helps to. There you can see, one is going up and the other one is coming down. ऐसे गुजरे दो दिन हमारे बुडापेस्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ढेरों कहानियां लेकर मैं आता रहूंगा आपके पास। मिलते हैं जल्द ही किसी और शहर के साथ।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वांडरिंग सर्जन और डॉक्टिवा ट्रैवलर के रूप में। हमारा ट्रैवल ब्लॉग भी आप फॉलो कर सकते हैं।